फाइनली दोस्तों मेरा यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आ चुका है, जिसके लिए आप सभी को भाई दिल से धन्यवाद शुक्रिया। क्योंकि मैं बता दूं कि भाई मेरा मेहनत के बाद और आप लोगों के मेहनत के बाद मेरा यूट्यूब से फर्स्ट पेमेंट आ चुका है। मैं बता दूं कि इस वीडियो में आपको मैं सारी बात बताऊंगा जो कि मुझे अभी तक मतलब शुरू से लेकर अभी तक मतलब मेरे फर्स्ट पेमेंट आने में जो जो मुझे दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मुझे जो जो मेहनत करना पड़ा वो सारी बात मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाला हूं। तो आप लोग को मैं बता दूं कि अगर आप लोग को भी देखना है, अगर आप लोगों को सुनना है और अगर आप लोग को भी मतलब एक आप लोग यूट्यूबर हैं और आप लोग का भी अगर फर्स्ट पेमेंट नहीं आया तो आप लोग इस वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि मुझे फर्स्ट पेमेंट को लेने में बहुत मेहनत करना पड़ा प्लस बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा। प्लस मैं आपको ये भी बताऊंगा कि मेरा जो फर्स्ट पेमेंट आया वो कितना डॉलर था और मुझे इसमें आप मुझे कितना रुपए मिला, वो सारी बात मैं आज आप लोग के साथ मैं शेयर करने वाला हूं। तो चलिए इस वीडियो को मैं शुरू करता हूं। तो मैं बता दूं कि मैं अपना चैनल शुरू किया था 2018 में और अभी चल रहा है 2020। तो मैं बता दूं कि मैं भी एक उसमें मैं नॉर्मल यूट्यूबर था, जो कि मुझे उतना यूट्यूब के बारे में जानकारी नहीं था। तो मैंने क्या किया मतलब एक दो मतलब वीडियो अपलोड करने के बाद मैंने यूट्यूब छोड़ दिया, क्योंकि उसमें उस समय ना ही मुझे मतलब सब्सक्राइबर मेरा गेन हो रहा था और ना ही मुझे वहाँ पर व्यू मिल रहा, जिसके कारण मैंने यूट्यूब को छोड़ दिया। और यूट्यूब को छोड़ने के बाद फिर दो तीन महीने के बाद फिर मैंने काम चालू किया और काम चालू करने के बाद मैंने कम से कम 40 से 50 वीडियो अपलोड किया, फिर भी मुझे वहाँ पे कोई भी मतलब रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। तब मैंने फिर यूट्यूब को छोड़ दिया। यूट्यूब को छोड़ने के बाद मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा था, तब मैंने फिर से यूट्यूब चालू किया। उसके बाद मैंने एक यहाँ पे हेलो एप्लीकेशन के ऊपर मैंने वीडियो बनाया और मैंने हेलो एप्लीकेशन पे वीडियो बनाने के बाद मेरा वो वीडियो वायरल हो गया। और अगर अभी भी आप लोग मेरे चैनल में आप लोग जाकर देखेंगे तो उस वीडियो पर मेरा 2,30,000 व्यू अभी भी अवेलेबल है, और जिसमें मुझे कि वहाँ पे रोज़ाना 100-150 व्यू मिल जाता। तो मैं बता दूँ कि उस वीडियो से मेरा मात्र एक वीडियो से मेरा यहाँ पे 4,000 घंटे का वॉच टाइम हो गया कंप्लीट, और मैंने अपने चैनल को मोनिटाइज के लिए मैंने यहाँ पे रिव्यू में डाल दिया। तो मेरा बस 2 से 4 दिनों के अंदर मेरा मोनिटाइजेशन इनेबल हो गया, जिसके बाद मैंने अपना फिर से वीडियो बनाया मतलब रेगुलर मैंने। और मैं बता दूं कि जब से मेरा मोनिटाइजेशन हुआ है अभी लगभग मेरा मतलब मोनिटाइज का 4 मंथ हो चुका है और अभी तक मैं रेगुलर वीडियो अपलोड करता हूँ, 2 से 4 वीडियो। एक भी दिन मैं यहाँ पर मैं मिस नहीं करता हूँ वीडियो अपलोड करने के लिए। तो मैं बता दूं कि मेरा यहाँ पे मोनेटाइज इनेबल हुआ और मैंने यहाँ पे रोज़ाना वीडियो अपलोड करना शुरू किया, जिसके बाद मेरा यहाँ पे पहले मंथ में बना था $11 और $11 बनने के बाद मैं बहुत खुश था, क्योंकि मेरा $11 बन गया। लेकिन जैसे यहाँ पे 5 तारीख आया मेरा यहाँ पे $10 कर चुका था, $11 मैंने अर्निंग किया, जिसमें कि मेरा $10 माइनस हो गया। तो मैं बहुत अपने आप को मतलब वीडियो बनाने का मन नहीं करने लगा, क्योंकि मेरा मेहनत का पैसा $10 मेरा नुकसान हो गया। तो मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, मेरा यह मेरा पहला महीना था, तो मैंने क्या क्या फिर से मतलब रेगुलर वीडियो अपलोड करना शुरू किया, दो चार वीडियो कर। तो मेरा अगले महीना मैंने अच्छा अर्निंग किया, जिससे कि मेरा मात्र $1 मतलब मेरा माइनस हुआ। तो मुझे लगा कि अब यूट्यूब मेरा पैसा नहीं काटेगा, जिसके कारण मेरा होते होते मेरे यहाँ पे $300 से $400 हो गया कंप्लीट। और जब मैंने यहाँ पे पिन के लिए अप्लाई किया तो मेरा 1 मंथ पिन नहीं आया, तो मैंने फिर से यहाँ पे अप्लाई किया मतलब एडसेंस पिन के लिए, तो मेरा यहाँ पे 2 मंथ में मेरा पिन आ गया। जिसके उसके बाद मैंने गया अपने बैंक अकाउंट में मतलब अपना अकाउंट खोलने के लिए, तो मैंने यहाँ पे फाइनली अपना अकाउंट खोल लिया। और उसके बाद मतलब पेमेंट कोई मतलब मेरे अकाउंट तक मंगवाने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पड़ता है स्विफ्ट कोड का। जैसा कि अगर आप लोग यूट्यूबर होंगे तो आपको ही पता होगा स्विफ्ट कोड का। तो मैंने अपने बैंक का मतलब मैनेजर को जाकर बोला कि सर मुझे मतलब बैंक का स्विफ्ट कोड चाहिए। तो सर बोले कि स्विफ्ट कोड मतलब है, हमको नहीं पता है। तो वो बोले कि इंटरनेट में जाकर देख लो, वहीं पे आप तुमको स्विफ्ट कोड मिल जाएगा, वहीं से जो काम करना है तुम अपना कर लेना। और मैं बता दूं कि मेरा जो बैंक अकाउंट था वो SBI का बैंक अकाउंट था। तो मैंने यहाँ पे
करने के बाद मैंने इंटरनेट पर जाकर मैंने अपना शिफ्ट कोड को मतलब खोजा, और शिफ्ट कोड को खोजने के बाद मैंने अपना फाइनली एडसेंस अकाउंट, मैंने अपना अकाउंट को मतलब ऐड किया, और ऐड करने के बाद मैंने इंटरनेट से शिफ्ट कोड को मैंने एंटर कर दिया, और मेरा यहाँ पे फाइनली 2 से 4 दिनों के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में पैसा पहुँच गया। और मैं बता दूं कि बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब जब आपके अकाउंट में जब पैसा आता है तो आपको बैंक जाना पड़ता है, कोई फॉर्म भरना पड़ता है, कोई सिग्नेचर करना पड़ता है, तो मैं आपको फाइनली बता दूं कि मुझे बैंक जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ा। मैंने सिंपल सा बैंक अकाउंट को ओपन किया, बैंक अकाउंट ओपन करने के बाद मैंने अपना मतलब एडसेंस अकाउंट में बैंक अकाउंट को ऐड किया, जिसके बाद मेरा यहाँ पे फाइनली 2 से 4 दिनों के अंदर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे को क्रेडिट कर दिया गया। और मैं बता दूं कि इससे पैसे को क्रेडिट होने में चार्ज कितना लगा, तो मैं आपको बता दूं कि मेरे बैंक अकाउंट में पैसे को क्रेडिट करने के लिए 95 रुपये का चार्ज लगा, बस 95 रुपये का। तो अगर आप लोग भी एक मतलब यूट्यूबर हैं तो मैं आप लोग को यही बोलूँगा कि आप लोग भी SBI का ही मतलब अकाउंट में मतलब आप लोग पैसे मांगा, या आपका मन जो भी हो, इसमें मैं कुछ नहीं बोल सकता हूँ। अब मैं आपको फाइनली बता दूँ कि मेरा मेहनत के बाद मेरा यहाँ पे कितना रुपए का फर्स्ट पेमेंट आया है यूट्यूब के तरफ से। तो मैं बता दूं कि मैं इस पैसे से, इस फर्स्ट पेमेंट से एक अच्छा सा मोबाइल खरीद सकता हूं, जिस मोबाइल फ़ोन का नाम है, आप लोग बगल में भी देख सकते हैं, उसका नाम है ओप्पो रेनो 3 प्रो, जो कि मतलब यहां पे 30,000 के लगभग आता है। मैं उस फ़ोन को ख़रीद सकता हूँ, ओप्पो रेनो 3 प्रो। तो आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं कि मेरा यहाँ पे कितना रुपए का मतलब बैलेंस आया होगा फर्स्ट पेमेंट। तो यह थी मेरा पूरा कहानी मतलब यूट्यूब से पैसे को मतलब अपने बैंक अकाउंट में लाने में। तो यह इसके लिए मैं आप लोग को फिर से दिल से धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, जो कि मेरा जो यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट आया है यूट्यूब से, वो आप सभी की मतलब मेहनत का फल है, और मेरा भी मेहनत का फल है। अगर आप लोग भी एक यूट्यूबर हैं तो आप लोग का जल्द से जल्द पैसा आ जाएगा यूट्यूब के तरफ से। मैं यही कहूँगा कि आप लोग मेहनत करते हैं, क्योंकि अगर मैं उस समय मतलब मैं यूट्यूब को छोड़ देता तो आज मुझे यहाँ पे फर्स्ट पेमेंट नहीं मिलता। तो मैं यही कहूँगा कि आप यूट्यूब में मेहनत करते रहिए, आपका ज़रूर फर्स्ट पेमेंट आएगा, और मेरा भी फाइनली आप लोग के मेहनत और आप लोग के एक यहाँ पे सपोर्ट की वजह से मुझे यहाँ पर फर्स्ट पेमेंट यूट्यूब की तरफ से मिल चुका है। तो फिर से आप सभी को दिल से धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा, इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हैं पहले या विजिट के चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि मैं बता दूं कि मैं अपने चैनल पे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो अपलोड करते रहता हूं। अगर आप लोग को यहाँ पे अगर पेटीएम कैश अर्न करने वाले हैं तो आप लोग इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैं पेटीएम कैश अर्न करने के टिप्स एंड ट्रिक आप लोग को देते रहता हूँ। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते इस तरह अच्छे वीडियो पर। जय हिंद, वंदे मातरम।